अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने रिस्क, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी देखा था। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरे पास एक चार्ट है, वो हम इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें ये वाली जो चीजें ना, ये आपके पास कवर हो जाएंगी, जिसमें देखें थ्रेट्स मल्टीप्लाई पर वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाई पर इम्पैक्ट इज इक्वल टू रिस्क, ठीक है। और इसी तरह से ये आपके पास आईटी रिस्क कैन बी एक्सपेंडेड टू थ्रेट और वल्नरेबिलिटी इनटू एसेट वैल्यू। तो ये एसेट की वैल्यू देखें, जस्ट सपोज मैं इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे फिलहाल मैं एसेट की वैल्यू ये बताऊंगा कि अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं एक गार्ड बिठा दूँ, लेकिन मैं इसकी बहुत आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शॉप है जिसमें मैं सिर्फ मेरी स्टेट एजेंसी है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि एक स्टेट एजेंसी की जो शॉप होती है उसके अंदर कुछ होता नहीं है। उसमें दो टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, पंखा होता है, और यह टीवी लगा हुआ होता है, और दो लोग तीन लोग बैठे हुए होते हैं, और वो लोगों से पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं वहां पे जो भी आता है। अब वो ये कहे कि मैं टेबल और कुर्सियों को बचाने के लिए 20,000 रुपये मंथ के ऊपर गार्ड रख लूँ, तो मेरी एसेट वैल्यू वल्नरेबिलिटी और थ्रेट और रिस्क में आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि हाँ, ये वल्नरेबिलिटी है कि मेरे शॉप के बाहर कोई गार्ड नहीं है, ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी है। लेकिन ये वल्नरेबिलिटी इतनी बड़ी नहीं है कि जितनी मेरी कॉस्ट लग रही है उसके ऊपर, जितने मेरे एसेट की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारी मेरी शॉप है, उस शॉप के अंदर टेबल्स हैं और चेयर्स हैं, एक टीवी रखा हुआ है, बस एक फैन है, एक एसी लगा हुआ होगा, ठीक है, ग्लास है, कूलर है। तो उसके लिए मैं 20,000 या 15,000 रुपए का कार्ड तो नहीं रखूंगा, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि मेरी एसेट की वैल्यू क्या है, तो उसकी एसेट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली मैं रिस्क को कैलकुलेट करूंगा। तो यही चीज मैं देखूंगा कि मेरे पास जो एसेट लगा हुआ है, जो अब देखें हमारे पास जो घरों में सिस्टम लगे हुए हैं, या घर में हम लोग कभी भी इतना ज्यादा सेफ गार्ड नहीं करते अपने नेटवर्क को। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में कोई ऐसी इतनी खास जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हम जिसको हम सिक्योर करना चाहें, ठीक है। लेवल ऑफ रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीप्लाई बाय लाइकलीहुड, ठीक है। अब ये कुछ बता रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस को सीरियस और इमिनेंट डेंजर, मॉडरेट डेंजर, नेग्लिजिबल डेंजर, तो ये कुछ बता रहा है, उस पर एक्शन आपको लेने चाहिए। ये वही कॉन्सिक्वेंसेस हमें बता रहा है जो ऊपर हमने देखी थी अभी स्लाइड, ठीक है। द चांस ऑफ द रिस्क अकरिंग, यानी कि कोई भी चांस, द सेवरिटी ऑफ अ रिस्क इवेंट दैट अकर्स, यानी कि एक जो भी रिस्क इवेंट अकर हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है, वो ये बता रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट का फेज है हमारे पास। रिस्क मैनेजमेंट के फेज में वो क्या बता रहा है कि रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग रिस्क एट एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। जहां पे हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे अपना जो रिस्क है ना उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम उसको वहीं पे उसको क्या करें, रिड्यूस करें या मेंटेन करें, ठीक है। तो एक्टिवली इंप्लॉयड सिक्योरिटी प्रोग्राम के थ्रू, ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ दें और बोले नहीं हम बाद में करेंगे, तो वो फिर हमारे पास एक्सेप्टेबल लेवल से बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट फेजेस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफाइज द सोर्सेज, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, डिटेल ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क इफेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब चीजें हमें रिस्क असेसमेंट करनी है। आप लोगों को पहले क्विज या पहले असाइनमेंट में से भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। रिस्क असाइनमेंट ये भी देखूंगा मैं, अगर मुझे लगा तो मैं इसमें से कोई दे दूंगा। रिस्क असेसमेंट क्या हमारे पास, कि जो रिस्क को हमने पहले आइडेंटिफाई किया कोई रिस्क है भी कि नहीं, पता चले कोई रिस्क ही ना हो तो फिर आपने क्या आगे करना है। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें, उस रिस्क को असेसमेंट करनी है आपने, असेस द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क, ठीक है, कि उसमें कितना लाइकलीहुड है या इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क कितना पड़ सकता है। फिर उस रिस्क को आपने ट्रीट करना है, यानी कि सिलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट कंट्रोल, जो कंट्रोल आप उसके ऊपर लगा सकते हैं जिसके थ्रू जो है ना उस रिस्क को आप कम से कम कर सकते हैं। फिर रिस्क ट्रैकिंग है, इंश्योर अप्रोप्रिएट कंट्रोल आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि आपने देखा कि आपने जो ट्रीटमेंट की थी, जो कंट्रोल आपने अप्रोप्रिएट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए थे, तो बाद में आपने देखा कि क्या उनकी वजह से रिस्क खत्म भी हुआ या नहीं हुआ। फिर उसको ओवर रिव्यू भी करते रहना बार 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 बार, ठीक है, रिस्क को, कि रिस्क जो है ना वो हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, साइबर थ्रेट क्या है हमारे पास, साइबर थ्रेट में हमारे पास क्या है, साइबर थ्रेट में क्या है हमारे पास, कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन,
यानी कि हम कलेक्ट और एनालिसिस करते हैं इंफॉर्मेशन का, ठीक है, जो भी थ्रेट है या जो भी हमारे पास ऐसे पैटर्न है जिसके थ्रू जो ना वो हमारे पास अटैक किया जा सकता है, आइडेंटिफाई और मिटिगेट करते हैं वेरियस बिजनेसेस। देखिए मिटिगेट का मतलब ये होता है कि हम खत्म नहीं कर सकते, हम उसको कम कर देते हैं रिस्क को। जस्ट सपोज मैं आपसे कहूँ कि अगर जो आपने देखा होगा कि बर्फ में, मैं आसान एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नेटवर्क एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ लेकिन थोड़ी मुश्किल होंगी, मैं रियल लाइफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर मूवीज में या वीडियोज वगैरह में देखा होगा कि जब बर्फ में कोई व्हीकल चलती है तो वो क्या करते हैं कि वो उसके ना जो टायर होता है उसके ऊपर चेन एक बांध देते हैं, ठीक है, उस चेन से ही होता है कि उसके ऊपर ग्रिप बन जाती है। तो क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी के स्लिप होने के रिस्क को मिटिगेट कर दिया, खत्म नहीं किया, अभी भी स्लिप हो सकती है लेकिन अब बहुत कम चांसेस है कि वो जो है ना वो स्लिप होगी। सो दे आर मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ स्लिपिंग व्हीकल, ठीक है, उसको कम कर दिया उन्होंने। उसके बाद हमारे पास क्या है लॉन्ग टर्म यूज में, हमारे पास क्या है स्ट्रेटेजिक या टेक्टिकल, और शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं ऑपरेशनल, कंज्यूम बाय सिक्योरिटी मैनेजर्स एंड नेटवर्क डिफेंडर्स, कंज्यूम बाय सॉक स्टाफ एंड आईआर टीम, सिक्योरिटी ऑपरेशनल कमांड करके कुछ है शायद, ठीक है। इसी तरह से एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, तो कंज्यूम बाय सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर कह सकते हैं आप, ठीक है, उसका जो स्टाफ है या इंफॉर्मेशन आईआर की टीम है जिसे नाम दिए हुए, कंज्यूम आप अपने नाम भी दे सकते हैं वो कोई मसला नहीं है, कंज्यूम बाय हाई लेवल एग्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज हमेशा वो बनाते हैं जो हाई लेवल के एग्जेक्टिव्स होते हैं या मैनेजमेंट होती है। टेक्टिकल्स कौन बनाता है, कंज्यूम बाय आईटी सर्विस एंड सॉक मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन अटैकर्स, हाई लेवल इंफॉर्मेशन ऑन चेंजिंग रिस्क, ठीक है। तो ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, ये हमारे पास थ्रेट इंटेलिजेंस है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या थ्रेट को मॉडल कैसे करते हैं, थ्रेट मॉडलिंग का एक प्रोसेस है हमारे पास, आइडेंटिफाई सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स, जैसे एफर्ट नीड टू बी पुट टुवर्ड्स सबसिक्वेंट स्टेप्स, क्या है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, डेटा फ्लो एंड ट्रस्ट बाउंड्रीज। तो एप्लीकेशन का ओवरव्यू करते हैं हम कि उसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, उसमें डेटा फ्लो कैसे होता है, उसके ट्रस्ट बाउंड्रीज क्या है, फिर हम क्या करते हैं डीकम्पोज करते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है, डिटेल उसके थ्रेट जो है अगर उसके अंदर हमें फाइंड करने हैं तो हम फाइंड करते हैं। ये बेसिकली रिस्क असेसमेंट की अप्रोच है, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं हम थ्रेट को, या फिर हम क्या कर रहे होते आइडेंटिफाई थ्रेट्स रेलेवेंट टू द कंट्रोल सिनेरियो, फिर आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, आइडेंटिफाई वीकनेस, वल्नरेबिलिटीज की डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं थ्रेट को मॉडलिंग कर रहे होते हैं, क्या मॉडल कर रहे होते हैं कि थ्रेट हमारे पास है क्या। ठीक है, इंसिडेंट मैनेज, यानी अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो उसको मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है वल्नरेबिलिटी को हैंडल करना है, ठीक है, आर्टिफैक्ट हैंडलिंग, उसके बाद हमने अनाउंसमेंट करनी है और अलर्ट्स जारी करना है। सबसे पहले तो अलर्ट आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल में यहां से चलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा अलर्ट, अदर इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेस, अनाउंसमेंट, आर्टिफैक्ट्स और फिर आखिर में वल्नरेबिलिटी हैंडलिंग। तो इसमें क्या करेगा अदर इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी कि देखें अगर हमारे पास कोई अटैक परफॉर्म होता है तो हम उसका जो इंसिडेंस का रिस्पॉन्स है वो हमारे पास पहले होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी अगर कोई इंसिडेंट अगर हो गया तो उसको क्या हम उसके अगेंस्ट हमें जो है ना वो क्या मेजर्स लेने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ डिफाइंड प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एनालाइज प्रायोरिटीज एंड रिजॉल्व सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि भाई अगर ये वाली वल्नरेबिलिटी हमारी जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जो ये वाले एसेट्स हैं ये जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो क्या होगा कि हम जो है वो उसको मैनेज करेंगे।
एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, जो उसके रिपोर्टिंग करेंगे उसके क्या करेंगे, उसकी डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसको उसको हम नोट डाउन करते हैं, ट्राइएज करेंगे कि हमने इंसिडेंट कैसे हैंडल किया, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इसमें ये कहना, इंसिडेंट मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, सबसे पहले वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ने यहाँ पे सही लिखा हुआ है, सबसे पहले वल्नरेबिलिटी के एनालिसिस करेंगे, फिर आर्टिफैक्ट एनालिसिस करेंगे, सिक्योरिटी अवेयरनेस की ट्रेनिंग देंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन करेंगे, पब्लिक और टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग करेंगे, अपनी पब्लिक एंड इंट्रूजन डिटेक्शन, यानी कि कोई ऐसा लोग बंदा तो नहीं है कि जो इंट्रूडर इसमें ऐड हो गया हमारे सिस्टम के अंदर। इसका प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डिजाइन के इंप्रूव सर्विस क्वालिटी। अगर हमें इंसिडेंट मैनेज करनी है तो हमें पहले से पता है कि अगर कोई इंसिडेंट हो सकता है तो हमें क्या करना है, बार बार रिजॉल्व प्रॉब्लम्स प्रो एक्टिवली, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम है उनको फौरन से पहले जो है ना वो आप उसको क्या करें, सॉल्व करें। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स बिजनेस, कम से कम करें उसको, देखिए खत्म नहीं किया जा सकता, हमें रिड्यूस किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। मीट सर्विस अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने मीट करनी है। इंक्रीज स्टाफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, देखें स्टाफ आपका एंथुसियास्टिक होगा तो ही जो है ना वो आपकी जो है वो इंसिडेंट मैनेजमेंट हो सकेगी। इंप्रूव यूजर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, असिस्ट इन हैंडलिंग फ्यूचर इंसिडेंट, ठीक है, तो हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो होता है फॉलोइंग पीपल परफॉर्म इंसिडेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल, लीगल काउंसिल, फायरवॉल मैनेजर, आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर, ये तीन तरह के लोग हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, आपके इंसिडेंट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये फिर वो इंसिडेंट मैनेजमेंट की आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।